जनपद के खजनी थाना क्षेत्र के बंगला पांडे निवासी हरीश चंद्र पांडे की पुत्री ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए झूठी सूचना देकर परिवार एवं पुलिस कर्मियों को गुमराह किया है, जिसके संबंध में पुलिस ने उस लड़की को हैदराबाद से पहले ही मध्य प्रदेश विदिशा से बरामद कर लिया है। घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए सीओ कैन सुमित शुक्ला ने बताया कि खजनी थाना क्षेत्र के बंगला पांडे निवासी हरीश चंद्र की पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में उसकी बहन ने कैन थाने में 13 मार्च को तहरीर दिया था और बताया था कि मेरी 19 वर्षीय बहन अपने घर से एनसीसी बटालियन के लिए निकली थी, लेकिन उसका पता नहीं मिल पा रहा है। उसकी बहन ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर जो फोन आया था, उसके मुताबिक उसकी बहन ने बताया था कि रास्ते में एक औरत मिली थी जो साईं बाबा का फोटो भी लिए हुए थे और मुझसे बोली इस पर कुछ पैसा चढ़ा दो और यह प्रसाद खा लो। जैसे ही प्रसाद खाई मुझे चक्कर आ गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कहां हूं। घटना को गंभीरता से लेते हुए कैन पुलिस और स्वाट टीम ने सर्विलांस की मदद से पता लगाया तो जानकारी मिली कि हरीशचंद की बेटी किसी लड़के से व्हाट्सएप पर बात करती थी और उसी से मिलने के लिए झूठी कहानी बनाकर हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के विदिशा के पास से ही बरामद कर लिया। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि पुलिस को झूठी सूचना देने और गुमशुदगी का नाटक रचने वाली युवती के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, यह दिनांक 13 मार्च 21 को एक नेहा पांडे ने सूचना थाने पे दी कि हमारी बहन खुशी पांडे ये खजनी की जो रहने वाली हैं ये निकली थी एनसीसी के लिए, एनसीसी ऑफिस जाने के लिए, और उसके बाद ये नहीं पता चला है। 2:45 बजे इनका फ़ोन हमारे मोबाइल पे आया जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि हमको किसी ने साईं बाबा का फ़ोटो दिखा के प्रसाद खिला दिया, प्रसाद खिला के हम बेहोश हो गई और मेरा हाथ पर बांध कर कोई ले जा रहा है। इसके बाद इनका फ़ोन बंद हो गया। इस संबंध में तत्काल गुमशुदगी थाना कैंट पर लिखी गई, इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में तत्काल टीमें रवाना की गई। उसके बाद जांच के क्रम में ये बात सामने आई कि ये एक युवक था जिससे इनकी लगातार बातचीत होती रहती थी। वो युवक तत्समय पर सऊदीया में था। पहली बार दिसंबर में एक फेसबुक मैसेंजर से तो पहली बार इनसे इससे बात हुई, उसके बाद से लगातार बात होती रही। वो युवक हैदराबाद का मूलतः रहने वाला था। जनवरी माह में वो युवक लखनऊ आया था, ये भी लखनऊ गए थी, लखनऊ में इनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो हैदराबाद जाने लगा, आपस में प्रेम संबंध हुए, ये लखनऊ आज गोरखपुर से 13 तारीख को हैदराबाद ही जा रही थी। इन्होंने ऐसी झूठी कहानी बनाई कि घर वालों को ये बात पता भी ना चले और हम उससे मिल लें। अब वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनती वहाँ रहने का ही है, वो बात बाद में डिसाइड होती। इसी संबंध में इनके द्वारा जब ये कहानी बताई गई तो तत्काल जब जो सूचना मिली उस पर पूछताछ शुरू हुई, उसी पे ट्रैक किया गया इनको, तो ये मध्य प्रदेश की विदिशा पहुंच गई थी। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहां के अधिकारियों से बात की और इनको विदिशा में ही जो बस से हैदराबाद जा रही थी इनको उतार लिया गया और हमारी टीम उनको आज सकुशलपूर्वक गोरखपुर ले आई। इनके घर वालों के सुपुर्द किया जा रहा है। यद्यपि इन्होंने पूरा पुलिस से झूठ बोला, झूठी कहानी पड़ी, इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। अगर इसमें कोई अपराध सज्जित होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो लड़का भी कहीं से दोषी पाया है? अभी लड़का तो हैदराबाद था, लड़के से तो अभी इनका संबंध नहीं हुआ। ये चूंकि ये बालिग है, कोई नाबालिग नहीं है, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, 20-21 साल इनकी उम्र है, तो अभी तक उसका ऐसा कोई दोष नहीं आया। दूसरी बात, ये रास्ते से ही ट्रैक हुई है, अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं थी, तो अभी तक उसका कोई दोष नहीं आया। इनका भी सिर्फ इतना दोष आया कि इन्होंने एक झूठी सूचना दी, एक मनगढ़ंत कहानी पड़ी, यही इनका एक दोष प्रकाश में आया है।